नमस्कार, आज हम आपको एक मारुति की सबसे महंगी और सबसे लग्जरी कार इनविक्टो दिखाने वाले हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे, मारुति सुजुकी इनविक्टो बिल्कुल इनोवा हाईक्रॉस ही है ये। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये टोयोटा ही इसको बनाती है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, इस गाड़ियों में ना, या हाईक्रॉस हो या इनविक्टो, इन गाड़ियों में ना लाइट की जो समस्या है, हेडलाइट में ये इनबिल्ट आता है तो इसमें रोशनी नहीं होता है, हाईवे पे चलाने में थोड़ा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोग इसमें ना एक प्रोजेक्टर फोग लैंप लगाते हैं इसमें, जो कि रोशनी एक अच्छे रेंज तक जा सके। तो प्रोजेक्टर लगाने का हाईक्रॉस में तो यहाँ पे जगह होता है, ये सैंपल निकाल के हम लगा देते हैं, लेकिन इनविक्टो में हमें बनाना पड़ता है और हम ये बना के इसमें ये प्रोजेक्टर फिटिंग करते हैं, जो कि रोशनी की कमी है उसको दूर किया जा सके और इससे काफ़ी रोशनी मतलब एक पर्याप्त हो जाती है कि इतनी बड़ी गाड़ी आप लेके हाईवे पे या कहीं भी चल सकते हैं तो आपको काफ़ी वो मिले। इसमें लगाने की फुटरेस्ट लगाने की भी आवश्यकता थी, पर भैया ने अभी नहीं लगवाया है। इनका बाद में कुछ ऐसा प्लान रहेगा तो वो बाद में फुटरेस्ट लगाएंगी। हमने इसमें साइड बीडिंग का जो काम है, ये साइड बीडिंग लगा दिया है इसमें, और हाईक्रॉस और इनविक्टो का सेम होता है। आइए तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है ना वेलकम लाइट आपका इनविक्टो का प्रॉपर देखेंगे तो ब्लू कलर में ये मिल जाता है आपको, और यहाँ पे एम्बिएंट लाइट जो है, ये एम्बिएंट लाइट इसमें फिटिंग किया गया। फिटमेंट आप इसका देखेंगे तो 0 to 0 फिटमेंट आता है इस एम्बिएंट लाइट का। आइए एक बार मैं सेकेंड रॉ भी दिखाऊं, तो देखेंगे सेकेंड रॉ में भी इसका जो फिटमेंट है ना, बिल्कुल 0 to 0 फिटमेंट एम्बिएंट लाइट का फिटिंग किया जाता है। और ये कभी कभी क्या है ना, जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे मैकेनिक छोड़ देते हैं तो उनको लगता है कि ये प्लेट नहीं, इसको ऊपर कर देंगे, ये लॉक लग गया, बस टेंशन फ्री। तो यहाँ पे भी आपको इनविक्टो लिखा हुआ वेलकम प्लेट प्रॉपर मिल जाता है। तो ये देखेंगे 70 मैट थोड़ा गंदा हो गया, हमने पहले डाला था इसमें, तो 70 मैट भी इसमें हम डाले हैं। और इस इनविक्टो में आपका एक जो प्यारा चीज़ है ये देखेंगे तो ये बैक गार्ड, मतलब इसको आप बैक रन बोल सकते हैं, डिफ्यूजर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्टर लाइट लगाने की भी आवश्यकता थी, क्रोम भी लगाने की आवश्यकता थी, भैया अभी नहीं लगवाए हैं, इनका कुछ बाद में प्रोग्राम रहेगा, रूफ रेल भी लग जाएगा। यहाँ पे पूरा असेंबल चेंज हो जाता है और यहाँ पे हम इनोवा का या फिर इनविक्टो का हम आपको दे देते हैं। फुटरेस्ट की बात करें तो फुटरेस्ट इसमें दो टाइप का होता है, एक फुटरेस्ट हमारे पास जो है ये वाला है, ये देखेंगे ये फुटरेस्ट है, और ये फुटरेस्ट का फिटमेंट ना बहुत इजी होता है और काफ़ी अच्छा होता है, ये लुकिंग वाइज भी ना काफ़ी अच्छा होता है। ये फुटरेस्ट देखेंगे तो ये यहाँ पे ऐसा ये प्रॉपर फिटमेंट हो जाता है इस फुटरेस्ट का। तो ठीक है, इस गाड़ी में अभी इतना ही काम हुआ है और दिखाते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आप भी इनविक्टो या इनोवा हाईक्रॉस मॉडिफिकेशन कराने का प्लान बना रहे हैं तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और टाइम लेके आके अपने गाड़ी को एक लग्जरियस लुक दे सकते हैं। मैं अपना नंबर बता देता हूँ, मेरा नंबर है 9911766958। मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ, 9911766958। थैंक यू।